काफी सारे लड़के इस बात को लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर उनके साथ कोई लड़की है तो वो होटल में रूम कैसे बुक करें, क्योंकि ज्यादातर होटल्स कपल्स को रूम नहीं देते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि अगर आपके साथ लड़की है तब भी आप होटल में रूम कैसे बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी कपल फ्रेंडली होटल्स की बात आती है तो उसमें सबसे पहले नाम आता है ओयो रूम्स का। ओयो एक काफी बड़ी कंपनी है जिसके अलग अलग शहरों में काफी होटल्स हैं। ओयो काफी फैसिलिटीज देता है जिसकी वजह से ये काफी फेमस है। उन्हीं फैसिलिटीज में से एक फैसिलिटी ये है कि इसके सारे होटल्स कपल फ्रेंडली होते हैं, यहाँ तक कि आप लोकल आईडी पर भी रूम बुक कर सकते हैं। ओयो होटल्स में किसी भी तरह का चेक इन डिनाइड या फिर पुलिस का कोई पंगा नहीं होता है, इसीलिए आप रूम बुक करके चेक इन कर सकते हैं। कपल फ्रेंडली रूम बुक करने के लिए आपको ओयो का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस शो होता है। इसमें यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ से नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आता है जिसको ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। लॉग इन होने के बाद आपको अपना प्रोफाइल सेट करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल में आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और अपना नेम देना होगा। यहाँ वॉलेट्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके वॉलेट्स मिलेंगे। इसमें आप पेटीएम और मोबी क्विक को भी कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो इसमें आपको पहले से ही कुछ पैसे मिलते हैं जिन्हें आप रूम बुक करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। रूम बुक करने के लिए आपको यहाँ सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको पहले डेट चूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 16th को होटल बुक करना है तो मैं यहाँ से 16th चूज करूंगा। यहाँ पर चेकआउट है, कितने दिन के लिए आप बुक करना चाहते हैं। मैं एक दिन के लिए करना चाहता हूं तो मैं यहां पर 17th को चूज करता हूं। इसके बाद आपको यहां पर चूज करना है कितने एडल्ट्स हैं। चलिए हम दो हैं। और इसके बाद आपको यहां अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपको यहां पर अपनी सिटी चूज करनी होती है। फॉर एग्जांपल, मुझे गुड़गांव में होटल रूम बुक करना है तो मैं यहां पर गुड़गांव टाइप करता हूं। गुड़गांव पर क्लिक करने के बाद गुड़गांव में जितने भी ओयो होटल्स हैं उन सभी की डिटेल्स यहां पर आ जाएगी। यहां पर स्क्रॉल करके आप अपने बजट के हिसाब से होटल फाइंड कर सकते हैं। यहां पर इसका प्राइस और रेटिंग दोनों शो होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये रूम बुक करना है तो इस पर मैं एक बार क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करके आप इस रूम के फोटोज देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो रूम आप बुक कर रहे हैं वो कैसा है। यहां पर इस होटल की रेटिंग और इसका एड्रेस शो होगा। यहाँ पर एमिनिटीज शो हो जाएंगी कि इस होटल में आपको क्या क्या मिलता है। इस रूम में आपको एसी, टीवी, फ्री वाईफाई, मिनी फ्रिज, इस तरह की सारी फैसिलिटीज मिलेगी। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको नेम देना होगा कि किसके लिए आप ये रूम बुक कर रहे हैं। आपको सिर्फ एक नेम दे देना है, काफी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि लोकल आईडी भी एक्सेप्टेड है और कपल्स भी अलाउड है। सब कुछ चेक करने के बाद आपको यहाँ बुक पर क्लिक करना है। बुक पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका होटल रूम सक्सेसफुली बुक हो चुका है। यहाँ पर आपका चेक इन टाइम दिया गया है, इस टाइम पर आप होटल में जा सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ आपको डायरेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप मैप में इस होटल को फाइंड कर सकते हैं। आप डायरेक्टली होटल को कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पे नाउ का बटन मिलेगा। आपका रूम कन्फर्म हो चुका है। पेमेंट करने के आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप होटल रूम में जब चेक इन करेंगे वहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन ही यहाँ पे नाउ पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, पेटीएम और लेजी पे, फोन पे या किसी भी वॉलेट से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर, अपना नेम, एक्सपायरी डेट और CVV डाल के प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल के कन्फर्म कर देना है। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आपको होटल में जाना है और चेक इन करना है। कोई पैसा आपको पे नहीं करना है। होटल में चेक इन करते टाइम आपको सिर्फ अपना नेम बताना होता है। ये ज्यादा से ज्यादा आपको अपनी ये बुकिंग आईडी बताने की जरूरत पड़ सकती है। नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ आपको कैंसिल बुकिंग का ऑप्शन भी मिलता है। अगर किसी वजह से आप होटल नहीं जा पाते हैं तो आप इस बुकिंग को कैंसिल भी कर सकते हैं, जिससे आपने ऑनलाइन जो भी पेमेंट किया है आपका वो पेमेंट रिटर्न हो जाता है। कैंसिल करने के लिए आप यहाँ कैंसिल बुकिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी एक रीजन देंगे, आप क्यों कैंसिल करना चाहते हैं, और यहाँ कैंसिल दिस बुकिंग पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी बुकिंग यहाँ पर सक्सेसफुली कैंसिल हो जाएगी। जब आप रूम बुक करते हैं तो आपके पास एक SMS आता है। SMS में चेक इन चेकआउट का टाइम और डेट भी होती है और होटल का नेम और उसका एड्रेस भी होता है। यहाँ तक कि उसमें होटल का मैप लिंक और उसका फोन नंबर भी दिया हुआ होता है। आप डायरेक्टली होटल को भी कॉल कर सकते हैं। इस तरह से आप रूम बुक करेंगे। इसके बाद जब आप होटल जाएंगे तो वहाँ पर चेक इन के टाइम आपसे दोनों का आईडी प्रूफ लिया जाएगा और आप इजीली चेक इन कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आईडी के हिसाब से लड़की की एज 18 साल से ज्यादा और लड़के की एज 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए,
तभी आप उसमें चेक इन कर पाएंगे, वरना आपका चेक इन डिनाइड कर दिया जाएगा। इसमें पुलिस का कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर पुलिस आपको फिर भी परेशान करती है तो आप SP से उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।